सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। यहां पर उपस्थित हैं हम लोग के पार्टी के माननीय सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ श्री चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी। यहां पर उपस्थित हैं हम लोग के पार्टी के माननीय सांसद श्री आरपी मंडल जी। यहां पर उपस्थित हैं हम लोग के पार्टी के माननीय मंत्री माननीय मदन सहनी जी। सभी प्रेस के साथियों सबका हार्दिक फिर से अभिनंदन है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप लोग के साथ वो पार्टी के अति पिछड़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 15 साल में किया गया है उसी के ऊपर में हमारे सारे नेता प्रकाश डालेंगे। और जहां तक हमको जानकारी है, जो मुझे जानकारी है कि माननीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अगर कोई अति पिछड़ों का दुख दर्द समझने वाला अति पिछड़ों के कल्याण के लिए अगर कोई नेता हम लोग के बीच उपस्थित है अभी, तो हम लोग के पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और 15 साल में अति पिछड़ों के लिए उन्होंने जो किया है वो काफी सराहनीय है। हम ऐसा कह सकते हैं कि आज के डेट में अगर अति पिछड़ों का कोई मसीहा है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो मैं अब माननीय चंद्रेश्वर बाबू से अनुरोध करूंगा कि वो अपना विचार रखें। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हम लोगों के पार्टी के नेता और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय मदन सहनी जी, इस वक्त उपस्थित पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर प्रोफेसर नवीन कुमार राजा जी और यहाँ उपस्थित हम लोगों के बीच झंझारपुर से पार्लियामेंट के सदस्य आदरणीय आरपी मंडल जी, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं आपके बीच इसके लिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 15 वर्षों में जो बिहार के लिए अति पिछड़ों के लिए विकास का काम हुआ उस पर कुछ बात आपके बीच में रखेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 2005 में के बाद जब बिहार में सत्ता संभाला तो सबसे पहले उन्होंने बिहार के अति पिछड़ों के विकास के बारे में सम्मान के बारे में ध्यान दिया और उस पर निर्णय लिया। सबसे पहला काम उन्होंने किया कि पंचायती राज में उन्होंने अति पिछड़ों के लिए 20% आरक्षण देने का काम किया और वह आरक्षण कोई साधारण आरक्षण नहीं था। वह पंचायती राज का जो आरक्षण था वह आज के दिन में अति पिछड़ों को आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त हुआ। उसके माध्यम से अति पिछड़ा समाज के लोग जिला परिषद के अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य के पदों पर आसीन हुए और जो दूसरे के नजदीक अति पिछड़ा समाज के लोग अपने कामों के लिए जाते थे वह काम स्वयं करने लगे। अपने लोगों के विकास का काम पंचायती राज में पद प्राप्त करके और स्वयं करना शुरू किया। पहले अति पिछड़ा समाज के लोग अगर मुखिया के यहाँ जाते थे तो उनको नीचे बैठना पड़ता था, नीचे बैठ के अपना फरियाद करते थे, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस दर्द को समझा और उन्होंने स्वयं उनको यह अधिकार दिया कि आप स्वयं कुर्सी पर बैठ करके अपने लोगों का विकास कीजिए। और इस तरह से पंचायती राज में जो आरक्षण मिला उसके बदौलत आज अति पिछड़ा समाज पार्लियामेंट में और विधानसभा में, विधान परिषद में सीट लेने के लिए उत्साहित है और चाहता है कि हम भी आगे बढ़ें राजनीति में और आगे बढ़कर के देश का सेवा करें।
इस तरह से और आगे भी उन्होंने किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है उसके अलावे हम बताना चाहते हैं कि दूसरा काम उन्होंने किया अति पिछड़ा आयोग का गठन। बिहार में सबसे पहला बिहार राज्य है जहां अति पिछड़ा आयोग का गठन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसके अलावे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नौकरी में 35% का जो आरक्षण लागू किया है महिलाओं के लिए, उसका सीधे फायदा गरीब परिवार के महिलाओं के को भी मिल रहा है, उनके बच्चियों को भी मिल रहा है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा काम किया है जिसका सीधे लाभ अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा आदरणीय मुख्यमंत्री जी यूपीएससी एंड बीपीएससी के पीटी परीक्षा में जो सफल छात्र छात्राएं हैं उनके लिए क्रमशः 1,50,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि देने का काम किया कि जिससे कि वो अपना पढ़ाई और मजबूती से करें और कंपटीशन में कंप्लीट करें। उसी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी उद्यमी योजना उद्योग लगाने के लिए उन्होंने 10,00,000 रुपया का व्यवस्था किया और उसके लिए उन्होंने वित्त निगम का बनाने का काम किया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है थोड़ा समाज के लोगों को, वित्त निगम बिहार सरकार का है, उसमें जाएं अप्लाई करें और उनको 10,00,000 रुपया ऋण मिलेगा किसी भी तरह का उद्योग लगाने के लिए। आज उसमें एक चीज और है, 5,00,000 रुपया सीधे अनुदान है, 5,00,000 रुपया ऋण के रूप में है और 5,00,000 रुपया अनुदान है। यह व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए किया कि जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वो उद्यमी बन करके और उद्योग लगा करके अपना रोजगार तो करें ही दूसरों को भी इम्प्लॉयमेंट दें। तो इस तरह से प्रोत्साहित करने का अति पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब तक पिछड़ों के लिए कन्या आवासीय योजना, कन्या के लिए भी आवासीय योजना का निर्माण शुरू किया और वह चालू है। अब महिला अति पिछड़ा के बच्चियां कहीं दूसरे जगह पढ़ने नहीं जाएगी, वह अगर उसको पढ़ने की इच्छा होगी मैट्रिक पास करने के बाद कि हम आगे की पढ़ाई जारी रखें तो हर जिला हेडक्वार्टर में कन्या आवासीय योजना के तहत छात्रावास बन रहा है, उसमें रह करके और वह पढ़ेगी। और उसमें एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जननायक कर्पूरी जी के नाम पर पहले ही हर जिलों में छात्रावास बनवाने का काम किया है और वह छात्रावास बहुत सा जिलों में बनकर तैयार है, कुछ जिलों में काम लगा हुआ है। और एक चीज और हम बताना चाहेंगे, आदरणीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने व्यवस्था किया है कि जो उस छात्रावास में रहेंगे उनको 15 किलो अनाज और 1,000 रुपया मासिक उनको मिलेगा खर्च के लिए। तो इस तरह से एक योजना जो चलाई जा रही है आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा वो अति पिछड़ों को आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त कर रहा है। उसी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी छात्र छात्राओं के लिए पोशाक योजना जो चला उससे काफी लाभ गरीब के बच्चों को मिला और वह स्कूल जाने लगा, स्कूल में जाने की संख्या बढ़ गई। उसी तरह से प्रोत्साहन राशि देने का काम किया। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दूसरा काम एक बहुत बड़ा किया अति पिछड़ों के लिए, न्यायपालिका में आरक्षण कभी अति पिछड़ा समाज का लोग सोचा भी नहीं था कि हमारे बच्चे जो लॉ करके आप कंपटीशन में बैठेंगे, आप मुंसिफ स्टेट के कुर्सी पर अदालत में बैठेंगे और न्याय देंगे। यह काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया और आज हम जानते हैं कि बहुत सारे अति पिछड़ा के बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं और मुंसिफ स्टेट बन रहे हैं। तो यह आदरणीय मुख्यमंत्री जी का न्याय के साथ विकास का जो नारा है वह प्रमाणित करता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास का काम कर रहे हैं। और हम बताना चाहते हैं आपसे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार में जितना भी योजना चला रहे हैं, जितनी भी योजनाएं चल रही है बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा, सभी योजनाओं से सबसे ज्यादा अगर लाभ किसी को मिलता है तो हमारे अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिलता है। इसलिए मिलता है कि सबसे ज्यादा आबादी अगर बिहार में है
वो अति पिछड़ा समाज का है और अति पिछड़ा समाज अभी जग चुका है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के तरफ टकटकी निगाह लगा कर देख रहा है और उनके हाथ को मजबूत करने के लिए कृत संकल्पित है। अति पिछड़ा समाज कहीं किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। अति पिछड़ा समाज को यह सोचना पड़ेगा कि 2005 के पहले जब पंचायती राज में आरक्षण का आदेश हाईकोर्ट से आया तो यही आरजेडी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील में चली गई और उस आदेश को लागू नहीं किया, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी और इन्होंने उसको केस को वापस लेकर के बिहार में पंचायती राज में आरक्षण लागू करने का काम किया, जिसका परिणाम है कि आज अति पिछड़ा समाज के लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। बहुत चौमुखी विकास अति पिछड़ा समाज का हो रहा है और उसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय नीतीश कुमार को जाता है। और हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे अति पिछड़ा समाज के लोगों से कि कहीं किसी के बहकावे में नहीं आए, खास करके जो अति पिछड़ा समाज के नौजवान लोग हैं उनसे हम आग्रह करते हैं, क्योंकि 2005 के वक्त उनकी उम्र कम होगी, 2005 के पहले जो बिहार में अति पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा था उसको उन्होंने नहीं देखा होगा, वो नहीं झेले होंगे, उनके परिवार के लोग झेले थे और उससे ऊब करके हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी को समर्थन दिया और बिहार में सरकार बनी थी। हम कहेंगे कि उन बातों को भूलने की जरूरत नहीं है, आप इस बात को याद रखिए कि अगर भटकिएगा तब धोखा खाइएगा, इसलिए आप लोग सतर्क रहिए और सबों को सतर्क कीजिए, जितने भी दबे कुचले लोग हैं समाज के सबों को सतर्क रहने की जरूरत है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने के लिए आने वाला चुनाव में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो नामित उम्मीदवार होगा सबों को भारी मतों से विजयी बनाइए, यही आग्रह हम करेंगे। अब हम चाहेंगे कि मदन सहनी जी मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, कुछ आप लोगों के बीच बात रखेंगे। प्रेस वार्ता कार्यक्रम में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण, आज के इस प्रेस वार्ता के मुख्य संबोधनकर्ता जनता दल यू के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान सांसद आदरणीय श्री चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, माननीय सांसद श्री आरपी मंडल जी, जनता दल यू के नेता और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नेता आदरणीय श्री नवीन कुमार आर्या जी, साथियों आज का यह जनता दल यू अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो हमारे नेता हैं उनके द्वारा यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। हमारे नेता ने विस्तार से 15 साल के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार प्रदेश के लिए काम किया है इसके बारे में आपको बताया गया, लेकिन वर्तमान में मैं आज आपको सिर्फ संक्षेप में इतना ही बताना चाहता हूं कि 15 साल के अंदर में जितने काम किए गए चाहे बिहार के वह कोई भी तबका हो, कोई भी इलाका हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास के काम से कोई भी जगह छूता नहीं। लेकिन आज का यह प्रेस वार्ता मुख्य रूप से अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए जो काम किए गए हैं उसको ध्यान में रख करके आयोजित की गई है। मैं आपको संक्षेप में सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, जिसकी चर्चा हमारे सांसद महोदय ने भी किया है, 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज में अत्यंत पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण देने का काम किया, अब नगर पालिका में भी देने का काम किया। आज सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन आपको यह खुद ज्ञात होगा कि 1990 से लेकर के 2005 तक लगातार श्री लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी का 15 साल तक राजपाट रहा।
और उन्होंने गरीबों के नाम पर, अत्यंत पिछड़ों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर गरीब का मसीहा बनकर के उनसे वोट लेने का काम किया। लेकिन जब आरक्षण देने की बारी आती थी तो उन्होंने अपने लोगों से न्यायालय में मामले को लटकाने का काम किया। और जब हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी 2005 में बिहार की बागडोर संभालते हैं तो उन्होंने सबसे पहला जो उनका संकल्प था और हम लोग के नेता गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो अधूरा सपना था उसको उन्होंने 2006 में बिहार पंचायती राज में अत्यंत पिछड़े वर्ग को आरक्षण देकर के पूरा करने का काम किया। यह आरक्षण आज आसान लगता हो लेकिन इसका परिणाम है कि आज बिहार के अंदर में अत्यंत पिछड़े वर्ग गोल बंद हुए हैं और एकजुट हुए हैं। जिस अत्यंत पिछड़े वर्ग को पूर्व की सरकार ने पचपनिया कह करके, पचफोरना कह करके और जीन कह करके और उन्हीं का वोट लेकर के 15 साल तक राज करने का काम किया और जब अधिकार देने की बारी आती थी तो उनको अपमानित करने का काम करता था, उन्हें आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने सम्मान देने का काम किया है। और आज अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि बिहार के अंदर 15 साल से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अत्यंत पिछड़े वर्ग गोल बंद है। और जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है मैं आपके माध्यम से अपने अत्यंत पिछड़े वर्ग के सभी भाइयों से हम लोग अपील करना चाहते हैं और अनुरोध करना चाहते हैं कि आने वाला जो चुनाव है निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, पहले से भी हमारे अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग गोल बंद थे और इस चुनाव में भी एक एक मत लोग दे करके फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और जिन लोगों ने इस वर्ग को अपमानित और पीछे धकेलने का काम किया है वह यह सोच ले कि आने वाला समय में निश्चित रूप से अत्यंत पिछड़ा वर्ग फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। साथियों, में कुछ योजना जिसकी चर्चा हमारे सांसद महोदय ने किया है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन न्यायिक सेवा में जो आरक्षण मिला है, जिस तरह से पंचायती राज में आरक्षण मिला, लंबे समय कानूनी दांव पे से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लड़े और इन वर्गों को आरक्षण दिया, उसी तरह बिहार न्यायिक सेवा में भी लगातार बिहार सरकार 12 साल तक कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का काम किया और तब जाकर के सफलता मिली। और आज यह इन वर्गों को, चाहे वह अनुसूचित जाति के भाई हों, अत्यंत पिछड़े वर्ग के भाई हों या पिछड़े वर्ग के भाई हों, सभी को इसमें मौका मिला है। और बिहार में महिलाओं को 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया, इसमें अत्यंत पिछड़े वर्ग के भी महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। आपको यह जानकर के खुशी होगा, मैं अत्यंत पिछड़े वर्ग का योजना के अलावा मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर में जो शिक्षक बहाली हुई थी, देश के अंदर पहली बार पंचायत में और माध्यमिक शिक्षा में जो बहाली हुई उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। तो यह सारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो लाभ दिए जा रहे हैं सभी वर्ग के बच्चों को दिए जा रहे हैं, सभी छात्रों को दिए जा रहे हैं, उसमें हमारे अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग छात्रों को भी इसका लाभ मिल रहा है। यह सारे काम चल रहे हैं। तो यह काम हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया। 2005 से पहले जो मछली का उत्पादन था उसके ओर कोई ध्यान देने का काम नहीं करते थे। उस समय मात्र 2.5 लाख मैट्रिक टन उत्पादन होता था। आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी ओर भी काम करने का काम किया है, मछुआरों को मजबूत करने का काम किया है और आज 6 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मखाना के उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर है। और इसको मजबूत करने के लिए, इसमें और ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मछुआरा समाज है, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको तालाब खुदाने के लिए हो या मछली बेचने के लिए मोपेड गाड़ी हो या चार पहिया वाहन हो या
नर्सरी हो, नर्सरी तालाब हो, या ट्यूबवेल का विस्थापन हो, या हैचरी का निर्माण हो, सभी तरह के काम पर उनको 90% का अनुदान दिया जाता है। यह सारे काम किए जा रहे हैं और जिसका नतीजा है कि आज मछुआरा समाज भी मजबूत हुआ है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो हमारे छात्र नौजवान हैं वो मजबूत हो रहे हैं। उनको मजबूत करने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री परिवहन योजना को लागू किया है और इसमें पहले अनुसूचित जाति के भाइयों को लाभ दिया जा रहा था, आज की तारीख में अत्यंत पिछड़े भाइयों को भी इससे जोड़ा गया है और कल तक जो लोग दूसरे का मजदूरी करते थे, दूसरे का गाड़ी चलाने का काम करते थे, आज की तारीख में वो हमारे साथी नौजवान खुद के गाड़ी के मालिक बन बैठे हैं। तो यह अंतर है, जो पहले मजदूरी करते थे, दूसरे के नौकरी करते थे, आज खुद के गाड़ी के मालिक बन बैठे हैं। तो यह अंतर है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के राजपाट में यह सारे काम चल रहे हैं, क्योंकि विस्तार से हमारे माननीय नेता सांसद महोदय ने बताया है। कहने के लिए इतने काम हुए हैं 15 साल के अंदर में, चाहे वह जल जीवन हरियाली के माध्यम से हो, जो तालाब पहले सूख गए थे, मछुआरों को न मखाना का खेती हो पाता था और न मछली का खेती हो पाता था, आज अगर जल जीवन हरियाली योजना चली है, इससे जो जल संकट है उससे भी लोग निपटेंगे और जो ग्लोबल वार्मिंग का समस्या था, जल जीवन के हरियाली के माध्यम से तालाब की खुदाई की जा रही है, नहर की खुदाई की जा रही है, जो नदी मर चुके थे, बरसाती नदी थे, उसका भी चिन्हित करके खुदाई किए जा रहा है, तो उसके कारण जो जल संकट है उससे भी निपट रहे हैं। और 2005 के बाद 15 साल के अंदर में जो हम लोग का झारखंड से अलग हुआ, झारखंड बिहार से झारखंड अलग हुआ, उस समय जो हरियाली का प्रतिशत था, आज हमारा 15% हरियाली हो गया है और 17 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने बिहार के अंदर में वृक्ष लगाने का काम किया है। अब हरियाली का क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको यह भी हम बताना चाहेंगे कि जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है, दल है, जिन्होंने अपने पार्टी के सदस्य बनाने के लिए एक वृक्ष लगाने का भी शर्त रखा था और जनता दल के साथियों ने उस शर्त को भी पूरा करने का काम किया और आज बिहार के अंदर में हरियाली बढ़ा है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के अंदर में शराबबंदी करके सभी तबका को मजबूत करने का काम किया, माता बहनों को भी सम्मान देने का काम किया। तो साथियों, मैं बहुत विस्तार से इस बात को कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना स्पष्ट संक्षेप में बताऊंगा कि 15 साल के अंदर में जितने काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है उसको हम लोग यहाँ आधा एक घंटा में पूरा नहीं बता सकते हैं, लेकिन संक्षेप में इतना कहेंगे कि आज अगर बिहार को जो गौरव मिला है वह गौरव माननीय नीतीश कुमार जी के कर्म के बदौलत मिला है। उस गौरव को, उस सम्मान को हम सभी बिहार वासियों को संभाल करके आगे ले जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जो हमारे अत्यंत पिछड़े भाई हैं, जिन्होंने हमेशा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को पसंद किया है और नीतीश कुमार जी ने भी हमारे अत्यंत पिछड़े वर्ग के भाइयों को आगे ले जाने के लिए हमेशा काम किया है। आज विगत लोकसभा चुनाव को देख लीजिए, 17 में से हम लोगों ने 5 सांसद बनाने का, अत्यंत पिछड़े वर्ग के भाइयों को सांसद बनाने का काम किया, 3 सीट MLC का मिला और तीनों का तीनों से अत्यंत पिछड़े वर्ग को देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आने वाला समय में भी अत्यंत पिछड़े के भाइयों को विधानसभा में भी पूरा का पूरा हिस्सेदारी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसलिए मैं तमाम आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बिहार के तमाम मैं अत्यंत पिछड़े भाइयों से अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आपने जिस तरह पहले माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया है, आज हम सभी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से संकल्प लेते हैं कि जो आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव है, निश्चित रूप से एक एक वोट नीतीश कुमार जी और NDA को दे करके फिर से हम लोग नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का आज की इस प्रेस वार्ता में संकल्प लेते हैं। इतना ही कह करके मैं आप तमाम लोगों का फिर से अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
के प्रेस वार्ता में उपस्थित आप लोगों के बीच अति पिछड़ा वर्ग से हमारे माननीय सांसद और पूर्व अति पिछड़ा के अध्यक्ष श्री चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री उपभोक्ता मदन सहनी जी, हमारे बगल में बैठे हमारे माननीय सांसद कटिहार के गुलाबचंद गोस्वामी जी, हमारे बीच बैठे नवीन आर्या जी जो महासचिव हैं हमारे प्रदेश के, और हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु, प्रेस मीडिया के बंधु तथा जितने भी हमारे बिहार से आए हुए अति पिछड़ा वर्ग तथा जो भी वर्ग बड़े वर्ग के जो भी लोग हैं, सबों को मैं इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि हमारे माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी ने आपके बीच रखा है अति पिछड़ों के बारे में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना सोच रखते हैं, कितना विचार रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं हम लोगों के ऊपर, मैं जीता जागता आपके बीच में उदाहरण हूं। मैं 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 20% अति पिछड़ा के लिए आरक्षण लागू किया गया था उसमें मैंने मुखिया बना उनके सहयोग से। उसके बाद मैंने 2016 में अपने प्रखंड का प्रमुख बना और प्रमुख से मैं आप लोगों के बीच आज माननीय सांसद बन करके आपके बीच दो शब्द कहने का मौका मिल रहा है। कह रहा हूं कि सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात हम लोगों के बारे में सोचते हैं कि अति पिछड़ों का कल्याण कैसे हो। जैसे कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम लोगों ने 16 में से 5 अति पिछड़ों वर्ग से आए हुए हैं जो माननीय सांसद हैं दिल्ली में, और बहुत सारे अति पिछड़े वर्ग के नौजवान हमारे हर जिला में, कोई एसडीओ है, कोई डीएसपी है, कोई थानेदार है। और जैसा कि आप लोग ने देखे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो किए हैं सारे माननीय सांसद जी ने बता दिए। सात निश्चय आप लोग जानते थे कि हमारे अति पिछड़ों के पानी पीने का कितना तकलीफ था। चापाकल से पानी नहीं मिलती थी, दूर जाना जाना पड़ता था पानी लाने के लिए। गली में नाला नाली नहीं था, ढलाई रोड नहीं थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, उनके अथक प्रयास से आज सात निश्चय का सफलता मिला है, वो सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है और अथक प्रयास है जो हम लोग जल जीवन हरियाली 7 निश्चय सारे काम को हम लोगों ने 5 वर्षों में किया है। 15 वर्षों में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया थी पिछड़े वर्ग के लिए मैं जानता हूं। मैं यही आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे बहन, हमारी माताएं घर से नहीं निकलती थी। अति पिछड़ा कहने पर लोगों को गर्व नहीं होता था, शर्म महसूस होता था। तो इस तरह के माहौल बनाया था पहले के पिछड़ों सरकार ने, लेकिन जब से हमारी ये सरकार आई माननीय मुख्यमंत्री जी का, सारे हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग अति पिछड़ा है। साथ साथ भाइयों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 वर्गों को अति पिछड़ा में ला करके भी बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। जैसे बरही वर्ग थे, साउदी समाज पहली वर्ग थे, उन लोगों ने आकर के भी हमारे अति पिछड़ा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ला करके वो भी बहुत बड़े हित किए हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, समय नहीं, हमारे सारे बड़े भाई लोग बोल दिए, मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आपको सारे बात को रखना चाहूंगा कि अभी जो आगामी चुनाव है बहुत सारे लोग आप लोगों को लोभ देंगे, प्रोत्साहन देंगे। मेरा अति पिछड़ा वर्ग अब सोया हुआ नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आकर के सबसे पहले लाइन लगाइए, कतार में खड़े होकर के हमारा वोट जो है तीर था, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे जनता दल का सिंबल है। आप लोग सबसे पहले सुबह सुबह पहले मतदान फिर जलपान करना है, और साथ साथ ये हमारे मैनिफेस्टो है कि पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो आप लोगों के बीच में जाएगा, आप लोग पढ़िए, समय कम है। और जो हम लोगों ने काम किया है, सबसे अच्छी खबर है हम लोगों के लिए बीपीएससी में अगर हमारे कोई बच्चे पास होते हैं तो उनके लिए 50,000 का प्रोत्साहन राशि है, कोई अगर यूपीएससी में कंप्लीट करते हैं तो उनके लिए 1 लाख की राशि है।
चलिए हो गया, एक मिनट सिर्फ समय लूंगा, हमारे माननीय सांसद जी अभी आए हैं। देखिए अति पिछड़ों के लिए कर्पूरी छात्रावास पूरे बिहार में, जैसे हमारे माननीय सांसद जी ने बताया, अभी सीतामढ़ी में बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है, जिसका भी संचालन हमारे अति पिछड़ा के ही वर्ग के लोग विनोद बिहारी मंडल जी करते हैं। ज्यादा नहीं कहूंगा, आप लोगों से फिर आग्रह करूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा चिंतन रहता है कि हमारे अति पिछड़ा वर्ग कैसे आगे जाए। आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग आगामी चुनाव में हम लोग से बहुत मतों से जिताइए, ताकि फिर मेरी सरकार बने, हमारी सरकार बने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर हम लोग के बीच हम लोग आशीर्वाद दें। इतना ही कह करके आप सबों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आशा रखता हूं कि आप लोग सुचारू ढंग से हम लोग के वोट में समय में काम देंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो यहाँ पर के मीडिया के सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम लोग के लिए बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय मदन साहनी जी, जहानाबाद के सांसद भाई चंद्रेश्वर प्रसाद जी, मधुबनी के सांसद भाई आरती मंडल जी, मुख्यालय दरबारी और पार्टी के प्रदेश महासचिव आदरणीय नवीन आर्या जी एवं साथियों, सारी बातों को हमसे पूर्व सभी वक्ताओं ने आपके बीच रखा है। मैं संक्षिप्त में केवल इतना आपको कहना चाहूंगा कि जब से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हमारी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जी ने समाज के सभी वर्गों का विकास, चाहे वो अक्लियत समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अत्यंत पिछड़ा समाज हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहां तक कि सवर्ण समाज के लिए भी बिहार उदाहरण है कि आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के सभी वर्गों का शैक्षणिक स्तर और बाकी स्तर उठाने के लिए हर स्तर पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ है। लेकिन हम लोग भी पटना आते थे, क्योंकि मित्रों में एक बात बताना चाहता हूं कि 1995 में जब हम पहली बार एमएलए बने थे, तो ये जो पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा समाज है, इनके लोग टिकट के दौर में भी राजनीति दल के गेट के बाहर खड़े रहते थे। लेकिन आज इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का अगर 16 एमपी है तो उसमें 5 अत्यंत पिछड़ा पिछड़ा वर्ग का है, और ये नीतीश कुमार जी का बदला है। चाहे सर्वोच्च सदन हो जो लोकसभा में, उसमें भी एक बड़ी भागीदारी पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग को दिया गया, विधानसभा के चुनाव में उसमें दिया गया, और माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार में आने के बाद निश्चित रूप से आप किसी गांव में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, समाज के सभी वर्गों के साथ साथ पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्गों के घर में खुशी आएगी और उसके घर में एक नई स्फूर्ति है। आज हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं, बिहार नहीं पूरे देश में बिहार पहला राज्य है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र जो यूपीएससी बीपीएससी का एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं, उनके लिए सरकार ने बीपीएससी पास करने के बाद 50,000 ताकि आगे फाइनल एग्जाम का तैयारी करे, यूपीएससी निकालने के बाद 1,00,000 और एक मुश्त उस स्टूडेंट के अकाउंट में जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम निकाला है। और आज पूरे देश में बिहार उदाहरण है, और ये सोच पहले भी आ सकता था, बाकी लोगों को भी बिहार की जनता ने मौका दिया, लेकिन इस पिछड़ा वर्ग के बारे में किसी ने ये नहीं सोचा कि पिछड़े का बेटा यूपीएससी में अगली तैयारी कैसे करे, वो बीपीएससी में कैसे तैयारी करे, अधिक से अधिक सरकारी सेवाओं में जाकर के और अपनी क्षमता का उपयोग कैसे करे। लेकिन आज हम लोग को गर्व हो रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं। उद्यमिता योजना के बारे में भी बताऊंगी कि आज ये पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बच्चे
मेरे पास है, मैं कुछ रोजगार करना चाहते हैं, टेक्निकल एजुकेशन लिए हुए, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण कोई रोजगार नहीं कर सकते। बिहार सरकार ने उनको 10 लाख अपना उद्योग स्वरोजगार अपने भी रोजगार करेंगे और फिर अपने अगल बगल के 2-4-10 लोगों को रोजगार देंगे। इसके लिए 10 लाख का प्रोविजन किया, उसमें 10 लाख अनुदान और 10 लाख रुपये को जो है 84 किस्त में जमा करना होगा। ये कोई आसान बात नहीं है, इस समाज को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है और इस समाज को प्लेटफॉर्म देने का काम कोई किए हैं तो आदरणीय नीतीश कुमार जी किए। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर कोई किसी के लिए काम करते हैं, कोई किसी का सम्मान करते हैं तो हम लोग बिहार में रह रहे हैं और बिहार के कोई भी व्यक्ति, कोई भी बेटा हम लोग के लिए कोई अगर थोड़ा कुछ करते हैं, हम लोग का कोई स्नेह प्यार से भी अगर माथे पर हाथ रखते हैं तो हम लोग उसका ऋण चुकाते हैं। और नीतीश जी ने जिस तरह से समाज के सभी वर्गों के साथ साथ अपने पिछड़ा वर्ग के लिए काम किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग इस बात को महसूस करते हैं और आने वाला दिन में जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है इसमें हम सब मिलकर के आदरणीय नीतीश कुमार जी को पुनः बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम लोग का बिहार का विकास के साथ साथ हम सब लोगों का भी विकास मजबूती से होगा। इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। अब आप लोगों को धन्यवाद देते हुए इस प्रेस वार्ता को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद। कोरोना काल का नमस्कार।